मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप दे दीजिए 15 सेकंड, 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है, हम तो तैयार हैं। 15 नहीं बल्कि 15 घंटे उनको मिल जाए। चलिए करिए, करके बताइए। आसिफ साहब, जो कुछ नवीन राणा ने बयान दिया है उस पर सबसे पहले आपसे क्या बोले वो नहीं मालूम। 15 मिनट 15 सेकंड उन्होंने कहा कि छोटे ने कहा 15 मिनट, हम कह रहे हैं कि 15 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास अख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड, 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है, हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ, नहीं देखिए हम तो कह रहे हैं ना, करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीज़ों का, तो ठीक है करिए आप, कौन रोक रहा है आपको। दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज़ आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको, बोलते क्यों है, करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं, करिए, क्या है ये। कोई भी वो एक और बात बता रहे हैं कि अगर जो वोट MIM को जाएगा वो पाकिस्तान को जाएगा, तो ऐसा है ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से अचानक नवाज शरीफ घर में लाइट देखे उतर गए, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए, तो वो क्या था फिर, वो क्या था। इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है, तो यही RSS की आइडियोलॉजी को हमको हराना है, और इनसे इनको नफरत है, इन लोगों को भारत की प्लुरलिज्म से, डाइवर्सिटी से। और जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन कर उनको दिया जाएगा, ये जिहादी हैं, तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, एक चीज़ और है कि जो 15 दिन की बात हुई विवाद, वहाँ से शुरू हुआ, आज 15 सेकंड की बात हो रही है, तो क्या मतलब। नहीं देखिए, जो वो उनको शायद मालूम रहते हुए भी अगर अंधे बन रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट से बात तय हो चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि आप करिए ना, बोलते क्यों हैं, हम यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े हैं, करिए। नहीं, हम बोल रहे हैं करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए मोदी जी को बोलिए कि उनको 15 घंटे उनको मिल जाए। चलिए करिए, करके बताइए, देखते हैं क्या होता है। आपको एक और चैलेंज भी कर रही है वो, कि अगर आप शेर हैं तो दूसरी जगह से करें, यहाँ से तो आप इतनी बार लड़ चुके हैं, क्या क्या वो कह रहे हैं कि दूसरी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनकर कीजिए, वहाँ पर देखते हैं करके, वो इस तरीके से चैलेंज कर रही है। अरे छोड़िए ना, पहले अपनी सीट बचाओ बोलिए, उनको अपनी सीट बचाओ बोलिए, शेर है, शेर शेर ही होता, शेर जहाँ भी जाओ शेर होता है। एक आखिरी सवाल, आबादी को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि हिंदुओं की रिपोर्ट है, किसकी रिपोर्ट है ये, किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप, और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये, रिपोर्ट कौन बनाया ये, इसमें जो लिखा गया है, नहीं लिखा नहीं गया, लिखा नहीं गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं जब लेंगे, रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए आप। नहीं, आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगना नहीं लगने का सवाल नहीं है, रिपोर्ट किसकी है वो आवाज़ आती बंद कर दो।